नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे द जीपीडी शो में। मैं गोपाल प्रसाद तिवारी आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द जीपीडी शो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मल्हार नगर अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए पूरे देश में विख्यात है। यहाँ 6वीं शताब्दी की और 7वीं शताब्दी की प्राचीन मंदिरें मिली है, जिसमें पतालेश्वर देवरी और डिंडेश्वरी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ जैन धर्म के स्मारक इस जगह में खुदाई के दौरान भी मिले हैं। मल्हार नगर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अक्षांश 21.90 उत्तर और देशांतर 82.20 पूर्व में 32 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिलासपुर से रायगढ़ जाने वाली सड़क पर 18 किलोमीटर दूर मस्तूरी है। वहां से मल्हार 14 किलोमीटर की दूरी पर है। मस्तूरी पहुंचने पर मल्हार जाने पर एक बड़ा द्वार बना हुआ है और यहीं से तारकोल की एक हरी सड़क मल्हार की ओर जाती है। प्रोफेसर के डी वाजपेयी मानते हैं कि पुराणों में वर्णित मल्लासुर दानों का संहार शिव ने किया था, इसके कारण उसका नाम मल्लारी मल्लाल प्रचलित हुआ। यह नगर वर्तमान में मल्हार कहलाता है। मल्हार से प्राप्त कलचुरी कालीन 1164 ईस्वी के शिलालेख में इस नगर का मल्लाल पत्तन कहा गया है। विशेष तौर पर इस नगर का प्रचार तब अधिक हुआ जब यहाँ से डिंडेश्वरी देवी की प्राचीन प्रतिमा चोरी हो गई थी, तब समाचार पत्रों में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। पुराणों में मल्लार सुर नामक एक असुर का नाम मिलता है, जिसके नाशक शिव को मल्लारी कहा गया था। प्राचीन छत्तीसगढ़ अंचल में शिव पूजा के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ मल्लाल पत्तन तीन नदियों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरपा, पूर्व में लीलागढ़ और दक्षिण में शिवनाथ। कलचुरी शासकों से पहले इस क्षेत्र में कई अभिलेखों ने सरपुर राजवंश के शासक का उल्लेख मिलता था। खननकर्ता प्रोफेसर के डी वाजपेयी एवं डॉक्टर एस के पांडे से ही प्राचीन राजधानी सरपुर मानते हैं। बाद के शासन कर्म मल्लारी से मल्लाल फिर आधुनिक नाम मल्हार हो गया। मल्हार में प्राचीन काल से ही नदियों के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण भी है और ऐतिहासिक प्रमाण भी है। मल्हार को प्राचीन काल में मलपट्टम के नाम से भी जाना जाता था। मल्हार में वैसे तो कई प्राचीन मंदिरें हैं। आज मैं आपको मल्हार के डिंडेश्वरी माई के बारे में बताऊंगा, जो कि भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ है, उनमें से 91 शक्तिपीठ मल्हार में स्थित है। यहाँ स्थित डिंडेश्वरी देवी की प्रतिमा मूर्तिकला का सर्वोत्तम नमूना है। शुद्ध काले ग्रेनाइट से निर्मित इस प्रतिमा की विशेषता है कि कठोर वस्तु से इस प्रतिमा में ठन ठन की ध्वनि उत्पन्न होती है। मल्हार का यह मंदिर पश्चिम विमुखी है, जो कि एक तांत्रिक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मल्हार के देवी पार्वती माता की एक कुमारी अवस्था में तपस्वरत देवी की यह प्रतिमा है। यह काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इसकी कला अनुपम है। मल्हार की देवी पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई है। इसका तीन दिशाओं में तीन देवियां हैं और यह 16 श्रृंगार की हुई है। ऊपर सिर पर छत्र धारण किए हुए हैं, नीचे दोनों घुटने के नीचे दो शेर बने हुए जो उनके वाहन होने का संकेत देते हैं, और इसी आधार पर इसे माता पार्वती के एक रूप में देखा जाता है। यह पूर्व में एक बार चोरों के द्वारा चुरा लिया गया था, जिसे 1992 में वापस लाया गया और इसे पुनः स्थापित किया गया है। तभी से इसकी प्रसिद्धि देश विदेश सब जगह फैली। इस मंदिर का अधिष्ठान पत्थरों से बना हुआ है और यह सप्तरस शैली से निर्मित किया गया है। वर्तमान में यह मंदिर जीर्णोद्धार करते हुए इसको नवीनता रूप दिया गया है और इसकी वैभव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है आई है। अब मंदिर पहले से ज़्यादा सुरक्षित और सुंदर नजर आने लगा है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासन काल में हुआ है। माता जी की यह प्रतिमा जन श्रुतियों के अनुसार दिन में तीन बार
अपना रूप बदलती है, सुबह या बाल अवस्था में दिखाई देती है, तो दोपहर में यौवन अवस्था में और शाम और रात के समय जरा अवस्था में दिखाई देती है। इस प्रकार एक रहस्य है कि एक ही प्रतिमा तीन अलग अलग समय में अलग अलग रूप में कैसे दिखाई देती है। किसी भी धातु से टकराने पर इसे धातु के रूप में आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। पूरे काले घने रंग की प्रतिमा काले ग्रहण से बनी हुई प्रतिमा में एक अनुपम उदाहरण है और कला की विषय से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मार्डिंडेश्वरी माई के महिमा के बारे में यह कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई सच्चे मन से मनोकामना पूर्ति के लिए आता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर निसंतान महिलाएं यहाँ आकर मंदिर के दीवार के पीछे अपने सिंदूर और घी से अपने हाथों के पंजों का निशान अगर बनाती है तो उनके संतान प्राप्ति भी होती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपने सिक्के को अगर चिपकाता है, अगर मंदिर के दीवार में उसके सिक्का अगर चिपकता है तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मंदिर परिसर में एक वट का वृक्ष का पेड़ भी है जिसे अक्षय वट वृक्ष भी कहा जाता है या कृष्ण वट वृक्ष भी कहा जाता है। यह पूरे भारत में तीन ही जगह पे प्राप्त हुआ है, वृंदावन श्री नारायण और तीसरा हमारे मल्हार में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द जीपीटी शो।